अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। गाइस उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस रोज की तरह नया रिक्वायरमेंट लेके आया हूँ, ठीक है। और ये जो वैकेंसी अपडेट करूँगा ये सऊदी का है, ठीक है ना। और इसमें तीन चार कैटेगरी है, तो मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से बताऊँगा। और मैं ये भी बताते चलूँ कि सऊदी का जो नॉर्मल फ्लाइट बंद है, लेकिन इस कंपनी का जो भी वैकेंसी है, जो फ्लाइट होगा, तो ये सब वाया फ्लाइट होगा कतर, बहरीन, ओमान ने तो दुबई से, यहाँ सारा चालू ही हो गया, आप सबको पता ही है। तो यहाँ से वाया आएंगे, और वाया से जो भी पैसा एक्स्ट्रा जो जाता है, वाया में तो पैसे थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा जाएगा वो कंपनी पे करेगी, और नॉर्मली जो चार्ज होता है वो कैंडिडेट को पे करना होगा। तो इसका सर्विस चार्ज जो भी होगा, जब आपका डॉक्यूमेंट आपको इस जॉब में जाना होगा, तो आप जब डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने से पहले जो भी सर्विस चार्ज होगा नॉर्मली वो आपको बता दिया जाएगा। आप अगर ओके बोलते हो जब भी डॉक्यूमेंट आगे जाएगा, ठीक है। तो और आप लोग से रिक्वेस्ट है, ये वैकेंसी वीडियो पूरा देख लेना, समझ लेना, ड्यूटी, सैलरी, काम, और उसके बाद कंपनी। और अब इसमें अगर जाना रहेगा तो लास्ट में जैसे जैसा मैं बताऊंगा कि अगर इसमें अप्लाई करने के लिए अप्लाई करना है तो डॉक्यूमेंट कैसा रेडी करना है, वो हिसाब से पहले डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना, उसके बाद ही मुझे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो इसका इस कंपनी का नाम है इब्ने हयान, ठीक है ना, कंपनी का इब्ने हयान नाम है। इसमें ट्रेलर ड्राइवर चाहिए, डीजल मैकेनिक चाहिए, और गोल्ड स्टोर टेक्नीशियन चाहिए, ठीक है ना। तो ट्रेलर जो ड्राइवर है इसका सैलरी 1400 है, यानी 1200-200, खाना अपना होगा। और डीजल मैकेनिक का सैलरी 1600 प्लस 200 है, और गोल्ड स्टोर जो टेक्नीशियन है उसका भी 1600 प्लस 200 है, ठीक है। इसमें बंदे सारे रिटर्नर चाहिए, सब रिटर्नर, जो तीनों कैटेगरी में रिटर्नर बंदे चाहिए। जो हैवी ट्रेलर ड्राइवर है इसका नकल शकील लाइसेंस होना चाहिए, अगर फोटो कापी भी हो जब भी चलेगा, आप सऊदी से रिटर्न हो, फाइनल एग्जिट गए हो, आपके पास में नकल शकील लाइसेंस हो, वो ओरिजिनल नहीं रहेगा, फोटो कापी भी रहेगा जब भी चलेगा, ठीक है। और जो ट्रेलर ड्राइवर हैं इनका 1400 सैलरी प्लस इनको ट्रिप मिलेगा, ठीक है, ट्रिप मिलेगा। अब ट्रिप उनको क्या हिसाब से मिलेगा, जैसा जैसा वो दूर जाएंगे, तो जैसा भी रियाद से जिद्दा जा रहे हैं तो उसका अलग होगा, मदीना जा रहे हैं तो अलग होगा, दमाम जा रहे हैं तो अलग होगा, तो जो भी जितना दूर वो जाएंगे वो हिसाब से उनको ट्रिप अलाउंस है, ठीक है, यानी कंपनी वो हिसाब से ट्रिप देगी। इसमें ट्रिप मार के आराम से 3500-4000 सैलरी उठता है, कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी कंपनी है। अगर आपका कोई जानने वाला सऊदी में हो, या आप तो सऊदी में रह के गए होंगे तो कंपनी को तो पता ही होगा, नहीं तो आप गूगल सर्च करके देख लोगे तो उसके बारे में आपको सारा चीज़ पता हो जाएगा। और बाकी का पासपोर्ट आपका ACR, ACNR कोई सा भी रहेगा चलेगा, ठीक है। और ये जो भी कैटेगरी है, आप डीजल मैकेनिक और गोल्ड स्टोर जो टेक्नीशियन है, ये कोई भी कंट्री से, डीजल मैकेनिक और ये दो जो कैटेगरी है ये गल्फ से कोई भी कंट्री से रिटर्न रहेंगे चलेगा, लेकिन जो ट्रेलर ड्राइवर है वो इंडिया से, मतलब सऊदी रिटर्न ही होना चाहिए, उसके पास में नकल शकील लाइसेंस होना चाहिए, चाहे फोटो कापी रहेगा जब भी चलेगा, ठीक है। और अगर आप इस जॉब में अप्लाई करते हो तो आपका जो ट्रेलर ड्राइवर वाले हैं उनको उनका पासपोर्ट चाहिए, फर्स्ट लास्ट पेज, और जो सऊदी का वीजा कॉपी लगा है पासपोर्ट पे, वीजा कॉपी, और इंडिया का और सऊदी का ड्राइविंग लाइसेंस, और एक पासपोर्ट साइज का फोटो, वैक्सीन रिपोर्ट, और ये सारा डॉक्यूमेंट जो है कोई कंप्यूटर की दुकान पर लेके जाके वहाँ से ये स्कैन कराना है, ठीक है, जो मैं बताया हूँ। और उसके बाद में वहीं से एक CV बनवा लेना है, प्रोफेशन अपना डालना है ट्रेलर ड्राइवर, ठीक है, ट्रेलर ड्राइवर का प्रोफेशन डालना है। उसके बाद में ये सारा डॉक्यूमेंट PDF में स्कैन करके सारा स्कैन कर लेना है कलर में, उसको बोल देना है दुकान वाले को जो भी शॉप पे जाओगे, और स्कैन करके PDF फॉर्मेट बनवा के एक ही फाइल बनवा के अपने मोबाइल के अंदर डाल लो, उसके बाद में डॉक्यूमेंट मेरे को सेंड करना रहेगा, ठीक है। और डीजल मैकेनिक अगर हो तो आप पासपोर्ट फर्स्ट लिस्ट पेज आपको स्कैन कराना है, और जो वीजा लगा है आपका जो कंट्री का जहाँ से भी रिटर्न हो वो स्कैन कराना है, एक CV बनवा लेना है डीजल मैकेनिक का, ठीक है। अगर आप जहाँ भी काम करे हो, जो भी कंपनी में आप काम करे हो वहाँ का अगर आपके पास में एक्सपीरियंस लेटर है तो एक्सपीरियंस लेटर, नहीं तो टेस्ट सर्टिफिकेट, ये अगर दोनों है आपके पास में तो दोनों लगाओ, अगर एक ही कोई भी है जब भी लगाओ, ठीक है। और वैक्सीन रिपोर्ट, और जो गोल्ड स्टोर टेक्नीशियन है उसका भी ऐसी सेम ही करना है, CV बनाना है, पासपोर्ट फर्स्ट क्लास पे स्कैन करना है, वीजा कॉपी स्कैन करना है, एक CV बनाना है, पासपोर्ट साइज का फोटो, टेस्ट नहीं तो एक्सपीरियंस लेटर, और एक वैक्सीन रिपोर्ट स्कैन करके PDF फॉर्मेट में बना के मोबाइल में अंदर डाल के, उसके बाद में आपको यहाँ पे जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है उस पर आपको सेंड करना रहेगा, ठीक है। और जब मैसेज करो आप लोग तो ये वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो वीडियो का लिंक शेयर करो, आज बताओ भाई मैंने ये वैकेंसी देखा हूँ और इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं इसमें जाना चाह रहा हूँ, तो आप डॉक्यूमेंट सारा चीज़ बता दिया करो। बहुत से क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट खाली सेंड कर देते हैं और ये नहीं बताते कि मुझे जाना कहाँ है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है जब भी डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करो तो जो वैकेंसी देखे हो
न तो कंपनी का नाम न तो वैकेंसी शेयर कर दिया करो, ठीक है, कि मेरे को पता चल जाए कि आप ये डॉक्यूमेंट किस कंपनी के लिए दिए हुए हो, कहाँ मेरे को अप्लाई करना है। बहुत से भेज भी देते हैं, डॉक्यूमेंट भी सही भेज देते हैं, लेकिन कंपनी बताते नहीं, कंट्री बताते नहीं, तो उनका भी वेट करना होता है, फिर रिप्लाई टाइम पे मिल नहीं पाता है, टाइम हो जाता है। तो मेरा कहने मतलब जब भी आप मैसेज करो तो पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट स्कैन करके, स्क्रीनशॉट लेके, नहीं तो कंपनी का नाम बता दिया करो कि इसमें ये जाना है, तो आपका जो भी आगे का प्रोसेस होगा बताया जाएगा। डॉक्यूमेंट कंपनी को फॉरवर्ड करने से पहले आपको सर्विस चार्ज जो भी होगा बता दिया जाएगा, अगर आप उतना पे कर सकते हो तो। फिर डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड जो होगा, आपका सिलेक्शन होगा, तो आपको फिर कॉन्टैक्ट किया जाएगा, फिर आपको बताया जाएगा आगे का प्रोसेस क्या करना है, मेडिकल कहाँ होगा, पासपोर्ट कहाँ जमा करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। पहले आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। सिलेक्शन होने के बाद में आपको सारा चीज़ बताया जाएगा। बहुत से आके मैसेज करते हैं, भाई मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ जाऊँ। जाना कहीं नहीं, आप जहाँ पे हो वहीं रहो, बस डॉक्यूमेंट सेंड करो। अगर आपको जाना है तो पहले डॉक्यूमेंट सेंड करो सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन होगा फिर आपको खुद बताया जाएगा। आप जहाँ पे भी होगे वहाँ नियर बाय में जहाँ भी मेरा ऑफिस होगा उधर पे बताया जाएगा कि आपको वहाँ पे जाके मेडिकल करके डॉक्यूमेंट जमा करना है। बस यही है कि सर्विस चार्ज जो भी बताया जाएगा, सर्विस चार्ज जो नॉर्मली होगा वही होगा। और वाया से तो फ्लाइट वाया का तो पैसे बहुत ज़्यादा लग रहा है, 2 लाख 1.5 लाख रुपया लग जा रहा है, लेकिन इतना तो बंदे पे नहीं कर सकते हैं ना, इतना मतलब पे करना ही है। ऊपर का जो भी रहेगा, जो नॉर्मली नॉर्मल टाइम पे जो भी चार्ज होता था वही होगा, बाकी कंपनी पे करेगी, ठीक है। और पेमेंट का कोई भी एडवांस नहीं होगा। बस यही आप लोग से रिक्वेस्ट है कि डॉक्यूमेंट आप जब भी डाला करो। बहुत से क्या करते हैं कि सर्विस चार्ज बता दो, हर चीज़ बोलते हैं हाँ ओके है, फिर जब सिलेक्शन हो जाता है फिर बोलते हैं अब हमारा ये प्रॉब्लम हो गया, मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गया, अभी मेरे घर में तबीयत खराब हो गया, अभी मेरे घर में शादी है ना, अभी मेरा पैसे का प्रॉब्लम है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आपको सारा चीज़ जो भी आपको डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करने से पहले जो पूछना पछाना रहे आप व्हाट्सएप पे सारा चीज़ क्लियर कर लिया करो, आपको सब ओके लगे तब डॉक्यूमेंट आगे फॉरवर्ड करने के लिए बोलो, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद में जब बंदा नहीं जाता है तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, पार्टी को जवाब देना होता है। तो आप लोग से यही है कि आप जब जो भी इंक्वायरी करना रहे पहले इंक्वायरी कर लिया करो, उसके बाद डॉक्यूमेंट सेंड करो, ठीक है। और डॉक्यूमेंट आप लोग जो मोबाइल से फोटो खींच खींच के भेजते हो, फोटो कभी भी नहीं खींचो। जैसा मैं बताता हूँ, हर वीडियो बनाता हूँ, मैं वीडियो बनाता यही हूँ क्योंकि सारा आदमी को एक एक पर्सनली मैसेज करके हर चीज़ मैं समझा नहीं सकता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ कि आप लोग वीडियो देख के आप लोग को पता हो जाना चाहिए कि हम अगर कहीं भी जॉब अप्लाई करते हैं तो मुझे फर्स्ट ये है कि मैं डॉक्यूमेंट कैसे रेडी करूँ, ठीक है। मैं इसके ऊपर भी वीडियो पहले भी वीडियो 2-3 बना चुका हूँ स्पेशलिस्ट कि अगर आप विदेश में जाते हो तो डॉक्यूमेंट मैन होता है कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे रेडी करना है। बहुत से बंदे रिटर्न होते हैं जो एक टाइम जाके आ गए, वो भी क्या काम कर रहे हैं, अगर लाइसेंस कभी कोई भेज देगा, कहे खाली फोटो भेज देगा, खाली कोई मोबाइल पासपोर्ट का फोटो कॉपी भेज देता है, कोई बहुत से होते हैं कि खाली सीवी भेज देते हैं। तो मेरा कहने मतलब है कि व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, तो इतना मैसेज आता है कि अगर हम आपका मैसेज कभी भी देखता हूँ तो हाय हेलो कोई पूछे उतने ही जवाब दे पाता हूँ। फिर आप दोबारा या तो फिर ऑनलाइन हो तो वही टाइम पे सारा क्लियर हो जाता है, नहीं तो ऑनलाइन नहीं हो आप आधा एक घंटे के बाद अगर ऑनलाइन आते हो तो उतने में आपका मैसेज बहुत नीचे चले जाता है, दूसरा मैसेज ऊपर आ जाता है, फिर पता नहीं चलता है कि आपसे क्या बात हुआ है, आपका क्या मतलब कहाँ जा रहे हो, क्या जानकारी आपको चाहिए। तो हमारा कहने मतलब जब भी मैसेज करो आप तो वीडियो में सारा चीज़ समझ लो। मैं वीडियो इसलिए आप लोग के लिए ही बताता हूँ, बनाता हूँ कि आप अगर जॉब सर्च कर रहे हो, बाहर विदेश जाना चाह रहे हो जॉब के लिए, तो मेन होता है कि डॉक्यूमेंट को कैसे कैसे रेडी करके कैसा कैसा प्रोसेस करना है। भले आप कारीगर अच्छे हो, हर चीज़ हो, लेकिन जब तक सामने वाले को अच्छे से डॉक्यूमेंट नहीं भेजोगे आपका काम नहीं होना है। जिसका काम होता नहीं है, पेंडिंग होता है, टाइम लगता है, वो कहीं भी डॉक्यूमेंट डालता है रिजेक्ट होता है, उसका मकसद यही है, या तो उसने मोबाइल से फ़ोटो खींच खींच के भेजा है या तो डॉक्यूमेंट उसने कंप्लीट नहीं भेजा हुआ है, इसकी वजह से रिजेक्ट होता है। तो हमारा कहने का मतलब है वीडियो में जब भी वीडियो आप देखो तो पहले हर चीज़ काम के बारे में, ड्यूटी के बारे में, सैलरी के बारे में, कंपनी के बारे में, फैसिलिटी के बारे में सारा समझ लो, फिर अगर उसमें आपको जाना है तो डॉक्यूमेंट समझ लो। क्योंकि हर कंपनी का, हर काम का अलग अलग डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, तो वो हिसाब से हम हर वीडियो में बताते हैं, ठीक है। तो वो हिसाब से अगर डॉक्यूमेंट डालते हो तो इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन होगा, जवाब भी दिया जाएगा, जल्दी काम भी हो जाएगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप कोई दूसरा जॉब सर्च कर रहे हो, तो जो नीचे FC इंटरप्राइज नाम लिख के आ रहा है इसका क्लिक करके चैनल के होम पेज पर जाओ, वहाँ होम मीनू और वीडियो कम्युनिटी पेज अबाउट ऐसा प्ले लिस्ट ऐसा आता है, तो वीडियो वाले में जाओ, वीडियो वाले पेज में बहुत सारा वैकेंसी मैंने ऑलरेडी अपडेट किया हूँ। फिर उधर कम्युनिटी का एक पेज है, कम्युनिटी वाले पेज में भी कंपनी का जो डिमांड लेटर होता है, जो फोटो होता है, वो भी मैंने अपडेट किया हुआ हूँ, करता रहता हूँ नया नया वैकेंसी, वहाँ पे भी जाके आप सर्च कर सकते हो, चेक कर सकते हो, हो सकता है जो जॉब सर्च कर रहे हो उसमें आपको मिल जाए। और
जो पेज है अबाउट वाला पेज है, अबाउट वाले पेज में जाओगे तो आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और वेबसाइट का लिंक, व्हाट्सअप ग्रुप, सारा चीज़ मिल जाएगा। एक एक लिंक पर क्लिक करके जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पर फॉलो सब्सक्राइब करके रख लो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको इस वीडियो में ये जॉब नहीं है, आप कोई दूसरा जॉब सर्च कर रहे हो, तो वैकेंसी मैंने रोज़ डालता हूँ, हर जगह अपडेट करता हूँ, तो आप चैनल्स फॉलो सब्सक्राइब करके रखोगे तो जैसे वैकेंसी डालूंगा नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद में आपके पास नंबर रहे, जब भी आप मैसेज ना करो, पूछो ना, वहीं पे देख लो, चेक कर लो, अगर आपको लगे हाँ ये मेरे लायक सही है, उसके बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट के साथ में मैसेज करो। हमारा कहने मतलब है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि कोई भी कंपनी का रिक्वायरमेंट अगर 10 होता है तो 50-100 जाता है डॉक्यूमेंट उसके पास, तो जिसका डॉक्यूमेंट सही होता है उसी का सिलेक्शन होता है। तो हमारा कहने मतलब यही है कि डॉक्यूमेंट अच्छे से पहले समझाओ, वो हिसाब से रेडी करो। एक टाइम आप डॉक्यूमेंट रेडी करके आप अपने फ़ोन के अंदर रख लो, जो भी फील्ड से आप जा रहे हो, जो भी फील्ड का जॉब आप सर्च कर रहे हो, हर अच्छे से डॉक्यूमेंट रेडी करके अपने फ़ोन के अंदर रखो। कहीं से भी अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, कहीं भी आपको डॉक्यूमेंट डालना है, तो आपको एक टाइम डॉक्यूमेंट रेडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप अपने पास रखोगे, कभी भी कहीं भेजना है फटाक करके सेंड कर दी, ठीक है। तो बाकी का अगर कुछ पूछना है तो कमेंट भी कर सकते हो, और व्हाट्सएप पर बहुत सारा मैसेज आ जाता है तो रिप्लाई में थोड़ा लेट में दे पाता हूँ, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई अर्जेंटली में कोई बात करना है, कुछ चीज़ पूछना है, कुछ जानकारी चाहिए, तो डायरेक्टली फ़ोन भी कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे रिप्लाई आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ पूछना है तो कमेंट भी कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, बाकी अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।